भी है यार, मतलब क्या आवाज है, क्या स्टाइल है, मैं तो मिल गया ना पागल ही हो गई। अब हेटर्स कहेंगे कि फोटोशॉप है, जेलस पीपल। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, टुडेस वीडियो इज ऑल अबाउट इंडो वेस्टर्न आउटफिट कैरीड ब्यूटीफुली बाय दिलजीत दोसांझ एट कोचेला। आपको लगता है आप ये लोग कैरी कर सकते हो एट योर इवेंट्स, या ये सिर्फ स्टेज पे अच्छा लगता है? मेरे हिसाब से दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैशन, एंड इट्स अ ग्रेट वे टू ऐड अ यूनिक टच टू योर वार्डरोब। मेरे हिसाब से तो ये लोग टोटली वर्थ इट है। तो गाइस, प्लान ये है कि आज हम क्रिएट करेंगे चार इंडो वेस्टर्न लुक्स विद फैन, और वो भी इसी की वार्डरोब से। तूने कहा था हम शॉपिंग करने जाएंगे बाहर, ये क्या बात हुई? मेरी वार्डरोब से नहीं, कर लेना यार, भाव मत खा। अच्छा चल ठीक है, मेरी वार्डरोब से। तो गाइस चलो हम देखते हैं ये फैशन ट्रेंड वर्थ इट है या नहीं, तो स्टार्ट करें। बट ये तो सारे डेनिम्स और स्वेटशर्ट और ट्राउजर, तो इंडो वेस्टर्न बनाना है ना, इंडो वेस्टर्न में वेस्टर्न भी तो आता है। देखो बैगी पैराशूट पैंट्स, बैगी कार्गो सब है। और तूने दिलजीत का आउटफिट देखा क्या पहन रहा है? एक बार मेरे को भी बताओ, ऑडियंस को भी बताओ। तुम यार दिलजीत का कोचेला वाला परफॉर्मेंस तो बढ़िया था ही, साथ में जो उनका मोनोक्रोमैटिक लुक था ना, उस पे तो मेरा दिल ही आ गया। एंड हिज रॉकस्टार पर्सोना वाज ब्रोकन बाय नियॉन येलो ग्लव्स, सिल्वर कड़ा, सिल्वर हुप्स एंड सिल्वर चेन, एंड ही कंप्लीटेड द आउटफिट विद सनग्लासेस एंड व्हाइट एंड ब्लैक एयर जॉर्डन्स। व्हाइट एंड ब्लैक? भाई डार्क मोका पहने थे उसने, ब्लैक एंड व्हाइट एयर जॉर्डन्स। भाई डार्क मोका थे भाई, उसने डार्क मोका पहने हुए थे, ब्राउन होता है उसमें। ब्लैक एंड व्हाइट एयर जॉर्डन्स हैं यार। अबे यार देख, तू ना यहाँ पे भी गलत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू बजट शॉपिंग चैलेंज जो हमने किया था मेरे चैनल में उसमें भी गलत थी, और तभी देखो डेयर करना पड़े था, वो भी कार धोनी पड़ी थी, देखो याद है? याद है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं पहले कौन सी वाली बना रहे हो। बाय द वे इससे मुझे याद आया कि हम लोग अपने चैनल पे एक वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम ट्राई करेंगे शूज कस्टमाइजेशन, तो अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम वो गिव अवे करने वाले हैं अपने ही किसी सब्सक्राइबर को, तो यू नो हाउ टू गेट इट। ओह ये तो काफी प्यारा कलर है यार। अब वो तो ग्रीन इज बार ट्रेंडिंग है सर, मुझे लगा ब्लू है। मुझे भी लगा ब्लू है, देखो मुझे भी लगा ब्लू है लेकिन ग्रीन है। तो सबसे पहले हमारे मैंने डिसाइड किया है, ये मुझे ना कुछ ब्लू में भी देखना है। ये क्या है? ये नेवी कलर का है। दिस इज आल्सो नाइस यार, आई लाइक दिस, इसका मटेरियल भी काफी अच्छा है। एक तो हमने ये डिसाइड किया, एक हमने ये डिसाइड किया, ब्लैक का है, ब्लैक ये रहा। ओह ये तो एक्चुअली काफी कूल है यार, और इसके साथ बेस्ट बात ये है कि ये पठानी सेट है पूरा, इससे मेरे पास इसका पठानी पजामा भी है। ठीक है हमारे पास एक ब्लैक हो गया, ब्लैक आउटफिट जो कि हमें दिलजीत का रिक्रिएट करना है और हम करके रहेंगे। अच्छा इसका यूटिलिटी जैकेट का है। ओह ब्रो ये एक्चुअली सेम है, बहुत क्लोज इनफ है उसके। अब तो इसके नीचे ना एक ब्लू डेनिम पहन ले, क्यों अच्छी नहीं लगेगा यार? बट यही पिंक है कि पीच है, दिस इज पीच है ना, नाइस तेरे को अच्छा लगेगा। बट इससे क्या, इसके साथ मैं बताती हूँ ना अभी क्या, ये किसी के नीचे जाएगा, आई थिंक ये इसके नीचे भी अच्छा लगेगा। नहीं बट वो वाला बेटर लगेगा, दूसरा पजामा ये वाला मच बेटर, सटल है ना, कूल। इस कुर्ते के नीचे हम पहनेंगे स्लिम फिट डेनिम है हमारे पास, स्लिम फिट एरी। इसके साथ हम पहनेंगे ये, ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ भाई? ओ ओ ये डेनिम जैकेट, यस डेनिम जैकेट का इस आउटफिट से क्या लेना देना है? अरे अच्छा लगेगा यार, भरोसा रख मुझ पे, मैंने आउटफिट अपने पूरे कंप्लीट। नहीं यार इसके बॉटम्स रह गए ना। हाँ इस ब्लू वाले कुर्ते के। हाँ दिस नो लिनन पैंट्स हैं, और लिनन अच्छा भी है समर्स के लिए क्योंकि राइट और कलर मिक्स एंड मैच तो हम कर ही रहे हैं। फुटवेयर में हम क्या चूज करने वाले हैं? फुटवेयर में हम चूज करने वाले, देखो मैं तो प्रेफर करता हूँ बर्केनस्टॉक्स टाइप के थोड़े जर्मन सैंडल्स, लेकिन हम इनको स्नीकर्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी होता है स्नीकर्स के साथ पेयर करना, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। दिलजीत ने जैसा कैरी किया उस तरीके से कैरी करना पड़ता है सोच समझ। यस बड़ा बात, बहुत कूल लगता है। और हेयर के साथ हम क्या करने वाले हैं, तो कुछ टिप्स देना चाहेगा कि हम हेयर के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इंडो वेस्टर्न लुक के साथ? इंडो वेस्टर्न लुक में हेयर को आई थिंक आपको थोड़ा सा क्विफ नाम का एक हेयर स्टाइल होता है वो बना के रख सकते हो, जिसमें कि आप अपने बाल थोड़े से वॉल्यूम देके खड़े करके पीछे की साइड कर सकते हो या साइड में कर सकते हो, बस उसमें वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से साइड से फेड ज़रूर दे देना, आपके नहीं आपके लंबे बाल है, साइड से फेड ज़रूर दे देना, वो हर लड़के पे अच्छा लगता है, तो बस ये टिप्स याद रखना। चल अब आउटफिट हो गया, अब ट्राई करके क्या, ट्राई करके यस चलो।
बस कर यार सैन, कितना चलेगा भाई? बीरोल दे रहा हूँ सिनेमैटिक वाले। दे दिए? हाँ दे दिए। अब बता कि तुझे आज जो हमने इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट किए हैं वो तुझे कैसे लगे? एक मिनट, इंडो वेस्टर्न लुक जो पिंक कुर्ते वाला आउटफिट है ना, वो लुक है ही नहीं, वो डोंट लुक है। और बाकी जो ग्रीन कुर्ते वाला और ब्लू कुर्ते वाला है वो कुछ ज्यादा ही कैजुअल है यार। मेरा मतलब मेरे को स्टाइल चाहिए, थोड़ा दिखे फैशनेबल इंसान। और बचा ये, हाँ, इस आउटफिट के बारे में तेरा क्या कहना है? ऑल ब्लैक है यार, और ऊपर से दिलजीत पाजी का लुक है, ये तो ऑब्वियसली अच्छा है। ये मैं किसी भी इवेंट पे पहनूंगा, जैसे कि दिवाली हुई, कार्ड्स पार्टी हो गई, ऑफिस में ट्रेडिशनल डे हो गया, और देखो मैं तो ये किसी शादी के प्री इवेंट पे भी पहन जाऊंगा। बहुत ज्यादा कूल लुक है, मतलब ये टोटली वर्थ इट है। टोटली 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 वर्थ इट है। बट हाँ, एक पॉइंट टू नोट, इस टाइप की चीजें आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए। आपके काला कुर्ता होगा, बट ऐसे टैक्टिकल वेस्ट टाइप चीजें आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप जाके शॉपिंग करोगे। तो ऐसी और टिप्स के लिए आप संचित के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार मेरे चैनल को तो कर ही दो सब्सक्राइब फटाफट से। बस खत्म। सॉरी यार गाइस, आई नो इस वीडियो के अंदर मैं अच्छे लुक्स नहीं बना पाई, बट आप नेक्स्ट वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने ना एकदम वायरल कॉन्टेंट दिया है जिसको देख के ना आप लोग को मजा ही आ जाएगा। तो कर दो ना फिर। क्या चैनल को सब्सक्राइब यार, और क्या कर दो प्लीज। कैसा लग रहा है आपको? पता नहीं पाऊंगी कैसा लग रहा है। अब कर दो पूरा।